इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज, मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो आइए आपको ले चलते हैं अभी की एक बड़ी खबर पर। ललितपुर में श्री राम कथा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आज से प्रारंभ होने वाली राम कथा की भव्य यात्रा नरसिंह मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर घंटाघर, सेतुबंध मंदिर, तुवन मंदिर कथा स्थल पर समापन हुई। सावरकर चौक पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन ने स्वागत किया। उसके बाद समाज सेवी बी के सदर ने समस्त कलश यात्रा में शामिल महिलाओं पुरुषों को फलार के साथ प्रसाद वितरण किया। महाराज श्री देवाचार्य राजेंद्र दास जी का पुष्पांजलि किया। महाराज श्री देवाचार्य राजेंद्र दास जी ने पुष्पांजलि की और समस्त भक्तों ने अभिनंदन किया, जिसमें राम राजा जिमने जीएम के समस्त पदाधिकारियों ने सहयोग प्रदान किया। जगदीश मंदिर के समस्त परिवार, इनमें ट्विंकल हुंडैत, संरक्षक चंद्र विनोद हुंडैत, राम हुंडैत ने माल्यार्पण किया। कलश यात्रा में प्रेस क्लब अध्यक्ष राजीव बबेले सप्पू कलश यात्रा जगवानी अगवानी कर रहे थे। शोभा यात्रा में वृंदावन धाम से पधारे भागवत कथा व्यास अनिरुद्ध आचार्य रथ यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। तुवर मंदिर के महंत राम लखन दास महाराज जी, नरसिंह मंदिर के महंत गंगा दास जी महाराज शोभा बढ़ा रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं शोभा यात्रा की मनमोहक झलकियां। सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टीवी न्यूज को। अगर आप यह फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए हमारे पेज को। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।